हेलो गाइस। सो आज मैंने ये किट ऑर्डर किया है, कोविशील्ड माई लैब का तरफ से बनाया गया एक किट है, ICMR अप्रूव्ड। इससे हम होम टेस्टिंग कर सकते हैं कोविड-19 के लिए। सो आज हम इससे टेस्ट करेंगे कोविड-19 का और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। इसमें हम देखेंगे कि एक ब्रेक पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट है जहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। सो अभी हम इसको ओपन करते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो हम इसको ब्रेक करते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या है। सो इसके अंदर एक हमें स्वाब मिला है सैंपल कलेक्शन के लिए, ये एक बफर है इनका, ये स्ट्रिप है ये, और इसके साथ एक डिस्पोजेबल बैग भी दिया गया है ताकि लास्ट में हम जो भी डिस्कार्ड जो होगा हमारा इसमें डाल के इसको अच्छे से हम डिस्कार्ड कर सकें। इसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी है कैसे इसको यूज़ करना है, डिटेल प्रोसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है। इसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं एक बार फिर से और उसके बाद फिर ये टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे घर पे। हमने इसे पढ़ लिया है मैनुअल्स कि कैसे करना है, प्रोटोकॉल सारा हमने देख लिया है। तो हम करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज 70% अल्कोहल के साथ। अगर 70% अल्कोहल नहीं हो आपके पास तो आप किसी भी तरह का सैनिटाइजर है जो यूज कर सकते हैं। एक बार अच्छे से हाथ को स्टरलाइज कर ले ताकि कोई किसी तरह का कॉन्टेमिनेशन होने का चांसेस नहीं हो। सो गाइज, ये हमारा स्वाब है, इसको हम ओपन करेंगे। और इस स्वाब को टच नहीं करना है, स्वाब का जो सैंपल कलेक्टिंग पार्ट है उसको टच नहीं करना है हमें, इसका ध्यान रखना होगा। और इसको हमने निकाला और इसको हम सौंप लेंगे। इसको 5 बार घुमाना है। इसके बाद दूसरे दूसरे वाले नोज में लेना है। थोड़ा ये अनकंफर्टेबल होता है ये। उसके बाद इसको बिना टच किए हम ये बफर निकालेंगे और बफर में इसको इसको डालेंगे। बफर में इसको 10 टाइम्स इसको रिवॉल्व करेंगे। फिर इसका एक ब्रेक पॉइंट है, यहां से इसको हम तोड़ेंगे। ये देखिए ये टूट गया और इसको वापस हम ऐसे लगा देंगे। सो गाइस फाइनली अब हम इसको ओपन करेंगे इस किट को। ये किट हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा। हमें यहाँ पे जो ये जो बना है सैंपल कलेक्टिंग पार्ट जो है इसमें हमें 2 ड्रॉप इसका इसमें डालना है। तो चलिए हम डालते हैं।
दो ड्रॉप हमने डाल दिया है और अब इसमें हमारा टेस्ट बताएगा। टेस्ट और कंट्रोल दो इसमें आपको दिख रहा होगा। कंट्रोल जो हमारा लाइन है वो हमेशा आएगा और टेस्ट हमारा लाइन तब आएगा जब अगर हम COVID-19 पॉजिटिव होंगे। सो 15 to 20 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए, फिर हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। सो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा कि कंट्रोल लाइन तो हमारा आ गया, जस्ट विद इन 10 to 15 सेकेंड में ही आ गया हमारा कंट्रोल लाइन। हम लोग वेट करेंगे टेस्ट लाइन हमारा आता है या नहीं। 15 to 20 मिनट्स जैसा प्रोटोकॉल में लिखा है इनका, हम लोग वेट करेंगे 15 to 20 मिनट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आता है। सो गाइज इसको हम लोग अपने मोबाइल पे भी इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। इनका एक प्ले स्टोर पे ऐप होगा, ये QR कोड स्कैन जब करेंगे इनके कवर पे तो हमें ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप के थ्रू भी हम अपना रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। जो ऐप का जो नाम होगा वो होगा माई लैब कोविशील्ड ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के लिए भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर से इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि दिखाया गया है इस मैनुअल में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंट्रोल लाइन हमारा एकदम प्रोमिनेंट हो गया है, ये जो हमारा कंट्रोल लाइन है वो तो आ चुका है। टेस्ट लाइन का हम वेट कर रहे हैं। अभी अभी हुए हमारे 5 मिनट्स हुए हैं, अभी हमें 15 मिनट्स और अप्रॉक्स वेट करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सो गाइज इसमें अभी मैंने ध्यान से पढ़ा एक बार, तो 10 to 15 मिनट्स में जो हमारा अगर टेस्ट बैंड अगर आता है तभी ये रिजल्ट हमारा वैलिड होगा कि पॉजिटिव है। 20 मिनट्स के बाद अगर कोई आता है इसमें तो वो फिर वैलिड नहीं होगा। मीन्स हमें मैक्सिमम 15 मिनट्स तक का ही वेट करना होगा अपने रिजल्ट के लिए। 15 मिनट्स के बाद अगर टेस्ट लाइन पे कोई अगर बैंड आता भी है तो वो हमारा जो है निगेटिव ही होगा रिजल्ट। सो गाइज 15 मिनट्स हो गया है और अभी भी हमारे टेस्ट लाइन पे कोई भी बैंड नहीं है। दिस शोज कि मेरा कोविड जो है निगेटिव है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोविड हुआ था, RT-PCR में भी अगर 11th ऑफ जून को मैंने टेस्ट कराया था तब तो मेरा पॉजिटिव आया था, और आज मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ। आज है 20 जून, तो आज मेरा नेगेटिव आया है। इसके बाद मैं फिर से एक बार RT-PCR टेस्ट भी कराऊंगा, मैं देखूंगा कि मेरा नेगेटिव उसमें भी आ रहा है या नहीं। बट यहाँ पे ये एंटीजन बेस्ड टेस्ट में तो अभी मेरा रिजल्ट जो है नेगेटिव है। सो गाइज अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है इसको अच्छे से डिस्कार्ड करना। सो ये जो हमारा डिस्पोजेबल बैग है इसमें हम सब कुछ जितना भी हमारा ये जो यूज हुआ है सामान उसको वापस से डालेंगे और अच्छे से डिस्कार्ड करेंगे। इसको अच्छे से यहां से सील हो गया ये, इसको अच्छे से डिस्कार्ड करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है कहीं भी। मे बी इसमें पॉजिटिव सैंपल हो अगर ये फॉल्स नेगेटिव बताया हो तो इसको अच्छे से डिस्कार्ड करना है लोगों के पहुंच से दूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये था हमारा एक रिव्यू जो हमारा माई लैब्स के तरफ से जो ये COVID-19 टेस्ट किट जो था उसका एक छोटा सा रिव्यू था।